नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टा फीड में। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा। ये नजर डालते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर रफ्तार से। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों द्वारा मेडिकल टीम के दोबारा से गठन करने की मांग करते सीबीआई को लिखने के कुछ वक्त बाद ही उनकी टीम फिर से मुंबई पहुंच गई। एक सूत्रों का इस मामले में कहना है कि इस मामले की जांच जो है अभी भी जारी है। इसके अलावा सभी चीजों का जो है बहुत ही ध्यान से आगे काम उसको लेकर किया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस बात पर जोर दिया था कि एक्टर की हत्या हुई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक्ट्रेस अपना पद्मश्री अवार्ड वापस लौटा देगी। लेकिन एम्स की जो टीम की रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि एक्टर की मौत आत्महत्या है। ऐसे में स्वरा भास्कर ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को अपना सरकारी अवार्ड वापस देना है। 30 अक्टूबर को बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल शादी करने वाली है। वो एंटरप्रेन्योर गौतम किचलू संग जो है साथ फेरे लेंगी। लेकिन इन सबसे पहले जो है वो अपने दोस्त और बहन निशा अग्रवाल के साथ बैचलर पार्टी को अपने एंजॉय करती हुई नजर आए। उनकी पार्टी से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तापसी पन्नू हमेशा से अपनी बातों को बेबाकी से रखती हुई नजर आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में बेल मिल गए तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इस सबके बीच तापसी ने कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि उनके यानी यहाँ वो रिया चक्रवर्ती की बात करी है कि जेल में जाने से एजेंडा चलाने वाले का ईगो जो है वो पूरा हो गया है। इसके बाद ही उन्होंने अपने ट्वीट में और भी बातें की। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि रिया काफी हफ्ते से जेल में बंद रहकर बाहर आई है। खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए और इम्यूनिटी हासिल करने के लिए बिग बॉस 14 की फीमेल कंटेस्टेंट बोल्डनेस की सारी हदें पार करती हुई आज नजर आएंगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इम्यूनिटी टास्क के लिए फीमेल कंटेस्टेंट सिजार शुक्ला से अपनी बॉडी पर टैटू बनवाएंगी और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सब बातें कुछ लोगों को रास नहीं आई। उन्होंने बिग बॉस को बायकॉट करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन आंदोलन अभियान शुरू करने के बाद कई सारे सेलेब्स जो है उसका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे सलमान खान से लेकर कंगना रनौत। उन्होंने जो है पीएम मोदी को इस चीज के लिए धन्यवाद किया है। साथ ही साथ जो है रघुप्रीत सिंह ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए पीएम मोदी के इस पहल की काफी ज्यादा तारीफ की है। दरअसल आने वाले त्योहारों और ठंड के मौसम में कोरोना से लोगों को बचाव के लिए ये आंदोलन चलाया गया है। रिया चक्रवर्ती को बुधवार के दिन मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जब वो पहली बार जेल से निकल के अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि आप लोग इतने उदास क्यों हो, हमें तो मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा। इस बात की जानकारी रिया की माँ संध्या चक्रवर्ती ने खुद एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू के दौरान दी है। उन्होंने मीडिया और लोगों पर अपना गुस्सा जताते हुए दुख भी रखा है। अपनी बात खुलकर रखने वाले एक्टर सैफ अली खान ने अवार्ड शो को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अवार्ड शो को एक बहुत बड़ा तमाशा करार दिया। उनका कहना है कि अवार्ड शो अपना पूरा विश्वास खो चुके हैं। इस बात की जानकारी एक्टर ने न्यूज पोर्टल को दी है। एक्टर यश ने फिल्म केजीएफ 2 की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने इस बात की जानकारी पोस्ट को शेयर करके दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि लहरों को आप रोक नहीं सकते लेकिन उस पर यात्रा कर सकते हैं। पोस्ट में एक्टर का लुक काफी शानदार नजर आ रहा है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने राजधानी के नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। एक्ट्रेस ने मुलाकात के बाद कहा कि वह जल्द ही न्याय पाने के लिए यहां आई थी। InstaFeed.